अच्छा जी, ये बाजी सबसे पहले। अच्छा, मैं सबसे पहले सलाम करने भूल गया आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। एक हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद, अजीज आने मन, ये भी हम कह सकते हैं। खैर, हम ये भी कह सकते हैं जो शाहजेब खानजादा कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है अब सब लोग खुश पाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो खैर, आज की हमारी ये जो सीरीज चल रही है पोइट्री की, इसमें हमने आपको डिफरेंट पोइट्रीज जो थी वो सुनवाई। हमने आपको जो पोइट्रीज थी, मतलब आपको डिटेल में बताई सारी चीज़ें, और कई शेर हमने आपको सुनाए। और आज शुहदा के हवाले से एक शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो शेर क्या है? वो शेर ये है, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से मुजाहिद निकलेगा, हर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे। वाह वाह, अच्छा जी, ये जो है ना, हमारे दादा अबू भी ये शेर पढ़ा करते थे। बहुत मज़े का शेर है, और यूँ समझ लें कि बड़ा दुखी सा शेर है, ठीक है, मतलब दुखों का जवाब यूँ आप कह लें इसे। तो ये अल्लाह ताला जन्नत नसीब करें, हमारे दादा जान वो पढ़ा करते थे, और तब तो खैर हमें कुछ वो वर्डिंग भी आगे पीछे कर देते होते थे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है। और शेर क्या है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। शेर ये है कि जो जलाता है किसी को, जो जलाता है किसी को, वो भी जलता है जरूर। सोच ले, जो जलाता है किसी को वो भी जलता है जरूर। शम्मा जलती रह गई, शम्मा जलती रह गई परवाना जल जाने के बाद। अगर सर्दियां है ना, तो सर्दियों के लिए भी अहमद फराज साहब का बहुत अच्छा शेर है। क्या कहते हैं कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। अच्छा जी, नेक्स्ट। अगर तू इतना शऊर रखता है, अगर तू इतना शऊर रखता है तो कर जिल्लतों को सलाम, मैं इतना गिर गया हूँ तेरे उरोज की खातिर। बहुत मजे का शेर है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो अगली वीडियो होगी ना, उसमें हम पोइट्री भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पोइट्री के साथ साथ एक इंतहाई अहम टॉपिक पे हमारी बात होगी उस वीडियो में। वो वीडियो देखना ना भूलिएगा, और उस वीडियो के अंदर हम सारे डिस्कशंस करेंगे, और उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, मज़े मज़े की चीज़ें बताऊंगा, और एक कहानी होगी पूरी। तो ये जो पूरी कहानी होगी, उस कहानी का एक लेसन भी होगा, वो लेसन भी हम आपको बताएंगे, सुनवाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है ना?
तो चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ।